तो इस टॉपिक के अंदर आ, हम डोर डिजाइनिंग सीखेंगे बहुत सारे मेथड्स हैं डोर डिजाइनिंग इस वजह से भी आसान है क्योंकि हम टू के अंदर ऑलरेडी ड्राइंग्स बना चुके हैं वही कमांड्स हम अप्लाई कर सकते हैं उन्हीं कमांड्स को हम इस्तेमाल कर सकते हैं और सिंपल अगर हम एक्सट्रूड की कमांड उसके अंदर अप्लाई करें तो आसानी के साथ हमारा जो है वो डोर डिज़ाइन हो जाएगा और इसी टॉपिक के अंदर हम डोर के अंदर मटेरियल अप्लाई करना भी सीख लेंगे कुछ मटीरियल जो हैं वो कैड की अपनी लाइब्रेरी के अंदर मौजूद हैं और कुछ मटेरियल जो कि आज आगे जाके हम थ्री मैक्स में भी देखेंगे हमने खुद से जो हमारे पास टेक्सचर्स मौजूद हैं वो आप डिफरेंट साइट से भी ले सकते हैं कुछ टेक्चर्स हमने आप रखवा भी देंगे आपके डाउनलोड सेक्शन में ताकि आप वहाँ से भी देख सकें तो उनको अप्लाई करना सीखेंगे सो बढ़ते हैं हम कैड थ्री की तरफ ताकि हम वहाँ पर डोर डिज़ाइनिंग सीखें तो so ये दोबारा हमारे पास रियलिस्टिक में टॉप व्यू है तो हमने डोर डिज़ाइनिंग जो है इस वक्त करनी है कि हमने अगर कहीं दरवाज़ा लगाना हो तो इसके लिए हम दोबारा वायर फ्रेम व्यू में आ जाते हैं तो हमारे लिए आसानी होगी ये हमारे पास अगर आपको याद हो टू ड्राइंग में तो ये हमारा बेडरूम है और ये हमारे पास यहाँ पर डोर की जगह है जिसपे हमने टूअर्ड्स वाशरूम की तरफ हमने एरिया बनाया था तो इसके मेथड जो है स्टार्ट में हम क्या करते हैं आर ई सी वही हम एक रेक्टेंगल ड्रा कर लेते हैं रेक्टेंगल ड्रा करने से पहले अगर हम चाहें तो हम एल ए लेयर की कमांड लगा के तो एक और नई लेयर डोर थ्री के नाम से या थ्री डी के नाम से भी बना सकते हैं ताकि हमारे लिए कलर डिस्टिंग्विश करना आसानी हो आगे जाके इसको हम कोई यूनिक सा कोई नया कलर दे सकते हैं ताकि हमारे लिए से हम इस कलर के अंदर लेके आ जाते हैं और इसको अगर हमने करंट लेयर बनाना हो तो वो भी बना सकते हैं सो so, ये हम रेक्टेंगल जो है वो एक ड्रा कर लेते हैं आर ई सी के नाम से ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है और इसको अगेन सी ओ हम एक कॉपी कर लेते हैं यहाँ से कॉपी विद बेस पॉइंट ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए और ये हमने क्योंकि कॉपी कर ली है तो अब इसको दोबारा हम किसी और लेयर में रख लेते हैं और ये हम एक्सट्रूड के लेयर में रख रहे हैं और ये हमारे पास यहाँ पे डोर मौजूद है इस डोर को यहाँ से हम मूव कर लेते हैं ताकि हमने क्योंकि डिजाइनिंग करनी है इसकी तो थोड़ा हमारे लिए आसानी हो जाए ये हमारे पास डोर मौजूद है यहाँ सो हम ई एक्स टी एक्सट्रूड की कमांड लगा लेते हैं और सेवन फीट हाइट होती है हमारे पास तो हम इसकी सेवन फ़ीट इसको हमने एक्सट्रूड कर दिया आप नोट करें तो एक्सट्रूड हो चुका है अब हमने इसका कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं हमारे पास रेक्टेंगल मौजूद है इसके अंदर जिस तरह की डिज़ाइनिंग आप चाहें कर सकते हैं हम एक बड़ी सादा सी डिज़ाइनिंग अब यहाँ कर भी लेते हैं तो डिज़ाइनिंग करने के लिए जो है हम करेंगे क्या हम इसके जो है वो फ्रंट व्यू में आ जाते हैं ताकि हमारे लिए यहाँ से आसानी हो तो ये डोर का जो है हमारे पास फ्रंटल ये इस तरह नजर आएगा फ्रंट से डोर सो so, यहाँ पे हम इसके कोई भी जो है ओपनिंग के लिए फॉर एग्जांपल यहाँ एक छोटा सा जो है सेंटर के अंदर ही हम एक सर्कल लगा लेते हैं ये हमारे पास सर्कल की कमांड मौजूद है अब इसको जो है हम प्रेस पुल कर लेते हैं नॉर्मली जब भी हम डोर ओपन करते हैं तो कोई लॉक टाइप मौजूद होता है और थोड़ा सा उसकी हाइट भी होती है तो हम प्रेस पुल करेंगे तो ये इसी सर्कल को थोड़ा सा बाहर की जानब जो है वो बाहर निकाल के प्रेस पुल की कमांड यही करती है कि किसी ऑब्जेक्ट पे आप लगाएं और जितने फीट आप उसको राइज या सामने की तरफ निकालना चाहें सो so, हम यहाँ पे ये यह अब प्रेस पुल की कमांड है इसको हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं और सिक्स इंच का सपोज हम इसे जो है प्रेस पुल ये हो चुका है और अब इसको हम यहाँ से मूव करा लेते हैं एम एंटर और सेलेक्ट ऑब्जेक्ट और यहाँ से हम सेंटर पॉइंट से इसको यहाँ रख लेते हैं अब हम इसको यहाँ से डिलीट भी अगर कर दें और अब चेक करने के लिए के क्या ये डोर कैसा लग रहा है तो सेम हम रियलिस्टिक व्यू में जाते हैं एंड ऑर्बिट करके लेट सी के हम किस तरह तो ये आप अगर नोट करें तो ये एक सिंपल जो है वो डोर का स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रा हो चुका है अगेन यू कैन गो विद मैनी अदर डिजाइन आप जा सकते हैं बेसिक मेथड जो है वो सब में सेम रहेगा अब अगर हम चाहें तो इस यहाँ पे कोई मटेरियल भी अप्लाई कर सकते हैं इस डोर में अगर कोई इफ वी वांट कि कुछ और मटेरियल हो सो एम ए टी हमने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया और एम MAT, मटेरियल की कमांड लगाई जैसी हम कमांड लगाते हैं हम फिर सेलेक्ट अगर कर लें इसे तो ये हमारे पास जो है इस वक्त अगर आप नोट करें तो कुछ मटेरियल्स ऊपर मौजूद हैं कुछ ये नीचे जो हैं ये कैड की लाइब्रेरी के अंदर जो है वो बहुत सारे मटीरियल्स पड़े हैं अगर हम अप्लाई करना चाहें सपोज़ अगर जो भी मटीरियल अप्लाई करना है उसके ऊपर राइट क्लिक करके असाइन टू सिलेक्शन कर देंगे हम अगर नोट करें आप तो जैसे मैंने असाइन टू सिलेक्शन किया है उसका मटेरियल चेंज हो गया है हम दोबारा सेलेक्ट कर लें और इसमें से कोई और मटेरियल भी हम असाइन कर सकते हैं एम ए टी सिंपल इसकी जो है कमांड है ये अगर हमने अप्लाई किया तो ये कुछ और मटेरियल हो गया अब यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे लिए है कि अगर हमने ये तो वो मटेरियल हैं जो ऑलरेडी मौजूद हैं अगर हम कोई ऐसा मटीरियल खुद से हमारे पास कोई टेक्स्चर मौजूद है और हम वो टेक्स्चर लेकर अगर मटीरियल अप्लाई करना चाह रहे हो येस वी कैन डू हम वो भी कर सकते हैं बड़ा सिंपल सा मैथड है उसके लिए हमारे पास अगर यहाँ पे आप टॉप में आए जहाँ पे डॉक्यूमेंट मटीरियल के नाम से ये वन और वन पॉइंट फाइव समथिंग यहां पे हम इस पर करते हैं राइट क्लिक और यहां पे कर देते हैं डुप्लीकेट हम इसी की कॉपी प्रोड्यूस कर लेते हैं और उसका नाम में रख देते हैं डोर्स सिंपल हमने क्या किया राइट क्लिक की डुप्लीकेट करके एक नई डोर के नाम से हमने अपनी जो है वो क्रिएट कर दी मटेरियल के अंदर लेयर और अब इसी के ऊपर हम ये जो डोर है इसके ऊपर हम राइट क्लिक करते हैं और इसमें एडिट में जाते हैं क्या किया स्टेप वन राइट क्लिक डुप्लीकेट नाम चेंज करके अब उसी डोर के ऊपर राइट क्लिक करके एडिट में गए जैसे ही हम एडिट में जाएंगे एक न्यू टैब हमारे सामने छोटी सी ओपन हो जाएगी अब इस टैब में क्या है अगर आप नोट करें तो ऑलरेडी एक जो है वो टेक्सचर का मटेरियल इसके अंदर आया हुआ है और अगर हम हम चेंज करना चाहें तो हम यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे इमेज के ऊपर तो ये हमें जो है वो यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है अगर आप ये यह यहाँ पे क्लिक करें फिनिशे स्टाइलिंग जो टाइप है इसके ऊपर आप क्लिक करें तो वो आपको ऑप्शन दे रहा है कि अगर आपके पास अपना टेक्स्र मौजूद है तो यू कैन अप्लाई दैट टेक्स्चर सो हमारे पास यहाँ डी ड्राइव के अंदर जो है वो आटो कैड और कैड के अंदर मटीरियल्स और मटीरियल्स के अंदर ये हमारे पास टेक्स्चर मौजूद है सपोज ये डोर्स के मेरे पास ऑप्शन हैं सो अब अगर हम यहाँ से व्यूज़ के अंदर थम तो ये वी आर हैविंग मल्टीपल जो है इस टाइम ऑप्शन हैं हमारे पास सो लेट्स अप्लाई फॉर एग्जांपल दिस वन इसको हम ओपन कर लेते हैं और जैसे हमने ओपन किया आप नोट करें तो ये चेंज भी हो चुका है हमने यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद डोर के ऊपर क्लिक किया और असाइन टू सिलेक्शन तो ये आप अगर नोट करें तो डोर का जो है वो मटीरियल चेंज हो चुका है मैं दोबारा प्रोसेस क्विकली ये लास्ट में रिपीट कर रहा हूँ ये हमारे पास अवेलेबल लाइब्रेरी का है और यहाँ से हम अपना टेक्सचर अप्लाई कर सकते हैं मेथड क्या है फर्स्ट क्लिक करनी है डुप्लीकेट के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे आपको नई लेयर में नाम दे दें उसे डोर वन का सपोज इसके ऊपर आप क्लिक करें एंड देन गो टू एडिट और यहाँ पे जैसे एडिट में आएंगे एक नई टैब ओपन होगी ये आपने यहाँ पे जहाँ पे उसका नाम है फिनिशेज समथिंग इस पर डबल क्लिक करें और यहां से कोई भी मटीरियल अप्लाई करें जैसी आपकी सिलेक्शन होगी तो खुद ब खुद जो है वो मटीरियल आपका अप्लाई हो जाएगा सो so, ऑनवर्ड हम बढ़ेंगे तो हम इसकी प्लेसमेंट भी देखेंगे तो इस टॉपिक के अंदर हमने देखा कि किस तरह हम डोर का एक बड़ा सिंपल सा हमने डोर डिजाइन कर लिया आप चाहें तो इसके जिस तरह की डोर डिजाइनिंग आप करना चाहें आप वो कर सकते हैं और इसके बाद हमने क्विकली जो है वो मटेरियल अप्लाई करके भी देखा सो ऑनवर्ड लेक्चर्स में हम कंप्लीशन की तरफ जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता हम अपने सारे कंपोनेंट्स कंप्लीट करके और देन विल मूव टू rendering in AutoCAD 3D.